अस्सलाम वालेकुम। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ तो इस वाले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा कि एक क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है कि लास्ट बाइंडिंग एनर्जी निकालिए लास्ट न्यूट्रॉन पर या फिर लास्ट प्रोटॉन की। सही है, लास्ट न्यूट्रॉन या फिर लास्ट प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। अच्छा जी, उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, पहले जो है उसकी मिसाल के तौर पर अगर लास्ट प्रोटॉन की आप लोगों को ऑक्सीजन 8 और 17 की बाइंडिंग एनर्जी मालूम करनी है तो आप लोगों को इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी होगी। ठीक है, जिस तरीके से बाइंडिंग एनर्जी का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि जेड जेड होता है चार्ज नंबर, चार्ज नंबर ये होता है न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, तो Z को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा मास ऑफ प्रोटॉन से। सही है, मतलब प्रोटॉन को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, जितने प्रोटॉन होंगे उसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा मास ऑफ प्रोटॉन से, और जितने न्यूट्रॉन होंगे उसको मल्टीप्लाई करवाना होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन से। सही है, उसके बाद उसमें से माइनस करवाना होगा तो होल मास, जो एक्चुअल मास आप लोगों को गिवन दिया हुआ होगा उसको। सही है, और मल्टीप्लाई करवाना होगा उसको सी स्क्वायर से। सी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर की वैल्यू होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यू, ये सी स्क्वायर की वैल्यू होती है, इससे मल्टीप्लाई करवाना होगा तमाम की तमाम चीजों को। ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी का एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं लेक्चर में बता चुका था। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि आप लोगों को बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है लास्ट न्यूट्रॉन की। लास्ट न्यूट्रॉन मतलब जो आखिरी न्यूट्रॉन है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, मतलब वो कितनी एनर्जी से बाइंड हुआ हुआ है। सही है, या उसको जितनी कितनी एनर्जी देंगे कि वो बाइंड हट जाएगा और वो न्यूट्रॉन एक डीके हो जाएगा। तो अब जो है हम लोग निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी के यहाँ पर ये वाले की 8 और 17 ऑक्सीजन निकालना है हमें, बाइंडिंग एनर्जी ऑक्सीजन की निकालनी है तो 8 और 17 वाले की निकालेंगे। सही है, तो सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी लिख दिया, उसके बाद 8 क्योंकि यहाँ पर 8 हमारे पास क्या है प्रोटोन है तो 8 लिख दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया किससे, यहाँ पर मास ऑफ प्रोटोन है। सही है, और इसके बाद प्लस जो प्लस था फॉर्मूले में, उसके बाद n मतलब न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर जब 8 प्रोटॉन है तो लाजमी तौर पर 9 न्यूट्रॉन होंगे तब जाकर 17 इसका एटॉमिक मास बनेगा। सही है, तो 9 न्यूट्रॉन थे और 9 से मल्टीप्लाई करवा दिया इसके मास ऑफ न्यूट्रॉन को। ठीक है, यह है मास ऑफ न्यूट्रॉन। सही है, उसके बाद माइनस करवा दिया होल मास, होल मास जो दिया हुआ है एक्चुअल मास वो सवाल के अंदर आप लोगों को गिवन होगा, 8 और 17 वाला पुट कर देना है। सही है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं 8 और 17 के लिए तो 8 और 17 वाला पुट कर देना है। सही है, उसके बाद मल्टीप्लाई करवा दे 931.5 से तो ये सिंपल निकल गई क्या बाइंडिंग एनर्जी, ये बाइंडिंग एनर्जी निकल गई पूरे के पूरे होल एटम की, पूरे होल एटम किसका 8 और 17 वाला, 8 और 17 वाला ऑक्सीजन का पूरे होल एटम की बाइंडिंग एनर्जी यहां पर हम लोगों ने मालूम कर ली। सही है, लेकिन हम लोगों को मालूम क्या करना है, हम लोगों को मालूम करना है लास्ट न्यूट्रॉन की, लास्ट न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी, लास्ट न्यूट्रॉन कितना बाइंड एनर्जी रखता है ये मालूम करना है हम लोगों को। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को देखना है कि अगर एक न्यूट्रॉन कम कर दे इसके अंदर ऑक्सीजन के एटम के अंदर तो कितना बचेगा, जब यहाँ पर 8 है एक न्यूट्रॉन कम कर देंगे 9 में से 1 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 8, टोटल हो जाएगा कितना 16। तो हम लोगों को अब इसकी निकालनी पड़ेगी बाइंडिंग एनर्जी। सही है, तो अब इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकाली, यहाँ पर 8 प्रोटॉन थे। सही है, 8 चार्ज नंबर था, मल्टीप्लाई करवा दिया इसको मास ऑफ प्रोटॉन से। सही है, और यहाँ पर 8 न्यूट्रॉन थे, 8 न्यूट्रॉन नंबर था, मल्टीप्लाई करवा दिया मास ऑफ न्यूट्रॉन से। सही है, और माइनस करवा दिया एक्चुअल मास से, एक्चुअल मास जो है हमें बुक से गिवन है। सही है, क्योंकि ये एटकिन की बुक है तो एटकिन की बुक में 16.0000 था। ठीक है, तो हम लोगों ने एटकिन की बुक से यहाँ पे मास लिया है। सही है, अच्छा जी, एक्चुअल मास जो बुक में गिवन था, अच्छा ये वाला मास भी बुक में गिवन था, ये वाला मास भी बुक में गिवन था। सही, मल्टीप्लाई करवा दिया 931.5 जो एक सी स्क्वायर की वैल्यू है। सही है, उसके बाद हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी जो आ गई किसकी 8 और 16 की, 8 और 17 की हमारे पास आई थी 131.77694679 और हमारे पास 8 और 16 की आई है 127.62816 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ तक हमारे पास काम क्या हो गया, हम लोगों ने दोनों बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली, एक
8 और 17 वाली और एक 8 और 16 वाली। अब हम लोगों ने क्या करना है, 8 और 17 वाली में से 8 और 16 वाली को माइनस कर देना है, तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी यहाँ पर। टोटल जो है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी में से 8 और 17 वाली में से माइनस कर देना है 8 और 16 वाली को, तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी वो आ जाएगी वो लास्ट न्यूट्रॉन की, कि लास्ट न्यूट्रॉन कितनी एनर्जी पे बाइंड हुआ हुआ है। सही है, अगर इसका इसका अगर सिंपल तरीका देखते हैं तो सिंपल तरीका देखें हम लोग, यहां पर हम लोगों को क्या पुट करना है, 8 और 16 वाला ऑक्सीजन का मास पुट कर दिया, एक्चुअल मास 8 और 16 वाला। अगर सिंपल तरीका, अच्छा ये बाइंडिंग एनर्जी जो है यहां पर लेंथी है, लेकिन बहुत आसान तरीका है यहां पर, लेकिन अगर आप लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर पुट करना है क्या, 8 और 16 वाला मास। सही है, 8 और 16 वाला मास गिवन होगा। सही है, इसमें प्लस कर देना है एक मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि लास्ट न्यूट्रॉन की निकालनी है, तो उस लास्ट न्यूट्रॉन का मास हम लोगों ने पुट कर देना है। सही है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, यहां पर ये वाला जो है वो 8 और 17 वाला मास है, जो एक्चुअल मास हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगा। सही है, जो यहां पर गिवन है वही वाला मास यहां पे पुट कर देना है। सही है, उसके बाद टोटल को प्लस या माइनस, इन दोनों को प्लस करने के बाद, इसमें से माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई करवा देना है वैल्यू को 931.5 मतलब सी स्क्वायर से। उसके बाद मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास वही आंसर आएगा जो हमारे पास ये लेंथी वाले से आया था। सही है, लेंथी वाला में क्या है, पहले क्या करना है, 8 और 17 वाले का मास बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, 8 और 16 वाले की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, 17 वाले में से 16 वाले की माइनस कर देनी है, न्यूट्रॉन का आ जाएगा हमारे पास लास्ट न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। सही है, और जो हम लोगों ने शॉर्ट बनाया वो शॉर्ट में क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर 8 और 16 लिखना है। सही है, 8 और 16 का एक्चुअल मास लिखना है, उसके अंदर प्लस करवा देना है न्यूट्रॉन का मास जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी के लिए निकालना है लास्ट न्यूट्रॉन का। सही है, लास्ट न्यूट्रॉन का मास एड करवा देना है, उसके बाद माइनस करवा देना है किससे, जो हमारे पास एक्चुअल मास दिया हुआ होगा बड़े दूसरे वाले का। सही है, दूसरा वाला मतलब न्यूट्रॉन को एड करने के बाद जो एक्चुअल मास दिया हुआ होगा उसको माइनस करवा देना है। ये लाजमी तौर पर न्यूट्रॉन को एड करने के बाद एक्चुअल मास है, ये न्यूट्रॉन को बगैर एड करे एक्चुअल मास है, तो न्यूट्रॉन को एड करने के बाद जो एक्चुअल मास आएगा उसको न्यूट्रॉन को बगैर एड करे हुए एक्चुअल मास के अंदर माइनस करवा देना है, तो हमारे पास जो है आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करवा देना 931.5 मतलब सी स्क्वायर की वैल्यू से, सी स्क्वायर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देना, तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का वही आंसर आएगा जो यहाँ पर हमारे पास इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के बाद आएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म बताइए आप लोगों को, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगला जो लेक्चर होगा वो होगा बाइंडिंग एनर्जी पर, प्रोटॉन लास्ट प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, वो भी इसी तरीके से होगा। सही है, तो उम्मीद है कि समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।